हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण बोध भाग चार, क्लास फोर का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेसन वन का ये पेज कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको सेकंड पेज से इतना पैराग्राफ कंप्लीट किया था, मौखिक भाषा के बारे में बताया था। आज हम भाषा के दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे, जो है लिखित भाषा। ओके, जब हम लिख कर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके, जब हम अपनी बात किसी को लिख के बताते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा स्थाई होती है। लिखित भाषा स्थाई होती है, क्यों? इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, लिखना हर किसी को नहीं आता। आपने देखा होगा नर्सरी के जीवन के जी टू के बच्चों को मम्मी पापा क्या करते हैं, हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको लिखना तो नहीं आता, बोलना तो सीख जाते हैं, बच्चे सुन सुन के बोलना सीख जाते हैं, लेकिन देख देख के लिखना नहीं सीखते। उनको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है ना। आपको भी टीचर ने ट्रेस कर करके दिया था ना लिखने के लिए। पत्र लेख पुस्तक कहानी समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। लिखित भाषा का यूज़ क्या क्या करने के लिए किया जाता है? पत्र लिखने के लिए, कोई लेख लिखने के लिए, कोई पुस्तक लिखने के लिए, या फिर समाचार पत्र लिखने के लिए, मतलब कोई भी रिटन चीज़ के लिए हम लिखित भाषा का यूज़ करते हैं। ओके ना, और इसका यूज़ सिर्फ पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ना लिखना आता है वही लोग लिख पाते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो लोग लिख नहीं पाते। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलते हैं। ठीक, इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारतीय संविधान, उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये याद रखना आप कि भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक भाषा है, भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है, और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया। सो वेरी गुड एंड थैंक यू, कीप स्माइल।